मोहम्मद सिराज ने उड़ाई लबू शेन की नींद, पहले कुर्सी से उड़ भागे फिर दर्द से निकली चीख। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर, दिखाएंगे आपको इसका पूरा वीडियो और बताएंगे पूरी खबर। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी मोहम्मद सिराज को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में थकान प्लेयर्स के सर चढ़कर बोलती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में देखने को मिला, जब मार्नस लबू शेन फील्डिंग करने के बाद नींद मारते नजर आए। लेकिन टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने उन्हें ज्यादा आराम नहीं करने दिया। सिराज ने अपनी सनसनाती डिलीवरी पर डेविड को पवेल का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद तेजी से लबू शेन की नींद खुल गई। भारतीय टीम ने अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर की अर्धशतकीय पारियों के दम पर पहली इनिंग में 296 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसके बावजूद टीम इंडिया 173 रन पीछे थी। बैटर्स के पास सारी जिम्मेदारी गेंदबाजों पर आ गई और सिराज ने आते ही अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। मोहम्मद सिराज ने पहले वार्नर का विकेट लेकर मार्नस लबू शेन की नींद खराब कर दी, फिर लबू शेन के मैदान में आने के बाद उनको गहरा दर्द दिया। सिराज की तेज रफ्तार गेंद से लबू शेन मात खा गए और की उंगली में चोट लगी, जिसके बाद लबू शेन के हाथ से बैट भी छूट गया। बता दें मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में भी विपक्षी टीम पर जमकर बरसे थे। उन्होंने पहले दिन एक विकेट झटका, उसके बाद दूसरे दिन एक के बाद एक तीन बैटर्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 50 विकेट भी पूरे कर लिए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोहम्मद सिराज इस पारी में कितने बल्लेबाजों पर कहर बनकर बरसते हैं। तो दोस्तों आप भी इस संबंध में अपनी राय कमेंट जरूर करें।